پی ٹی آئی د باندې پی ٹی آئی رهایي لپاره تحریک شروع کولو فیصله کړې. په دې اړه پیښور کې پی ټی آئی رهنماګانو پریس کانفرنس په مهال ویلي چې ولس به پیښور او صوابۍ کې جمع کوو او ډي چوک طرف ته به ځو. هغوی ویلي چې ملک کې غیر آئینی فیصلې روانې دي. د پی ټی آئی شاندانه ګلزار، عاطف خان، فضل الهي او معظم بټ د مجوزه آئینی ترمیم مخالفت اعلان کړی. तो जहां तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा था, मैं भी फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो खान साहब के नुमाइंदा हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे. उन्होंने सदर बनाया है सूबे का, वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे. तो अगर उनका एतमाद है, मेरा भी एतमाद है, हम सब का एतमाद है. ये आप इससे बिल्कुल ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि ये हम किसी के खिलाफ कर रहे हैं. हम जो एफर्ट्स हैं, हम उन एफर्ट्स को मजीद तेज करना चाहते हैं ताकि हमारे वर्कर सपोर्टर्स जो अहदेदार हैं उनके ख्याल में हमें मजीद करना चाहिए, जो कि हम उसी एफर्ट को आगे लेके चल रहे हैं और वो भी सारों के साथ मिलके. ये नहीं कोई अलग से हम उधर पहुंच जाएंगे, कोई सवाबी पहुंच जाएंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे. हम सारे स्टेक होल्डर जितने हैं, चाहे आईएलएफ है, वुमेन विंग है, आईएसएफ है, उनके साथ मिलके हम इस मकसद को ज्यादा तेज और ज्यादा पुरअसर बनाना चाहिए.